सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल, मेरा नाम है अर्जुन खंडेलवाल और आप देख रहे हैं फिटर 207 यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस अभी थोड़ी सी धूप हो रही है यार, इसलिए मैं ढंग से इंट्रो नहीं दे पा रहा। अब कोई अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही अभी और धूप में ही करना पड़ रहा है शूट। पता है क्यों यार, सच बताऊँ ना परेशान हो गया मैं। मतलब आसपास के सारे लोग आ जाते हैं छत पे, यानी हर कोई छत पे आके शाम को आ जाता है और सब छत पे घूमता रहता है, तो ऑकवर्ड लगता है उस समय वीडियो बनाना। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए इस समय धूप में बनानी पड़ रही है। तो जो आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ब्रिक वर्कआउट है, ब्रिक से बैक वर्कआउट करना है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और आपको एक एक जो स्टेप बताने वाला हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना है, जिससे इस शक्ल से ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ या फिर मेरे को किसी ने फोर्स करा है वीडियो बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं था, सनलाइट ज़्यादा थी इसलिए ऐसा हो रहा था फेस। ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए वर्कआउट करने में और भाई मोटिवेटेड रहो, हर चीज़ तुमको आसानी से मिल जाए, हर चीज़ तुम्हें बिल्कुल टाइम पर मिल जाए तो मज़ा नहीं है ना उस चीज़ का। जब तक तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, जब तक तुम्हें अपना एफर्ट नहीं डालना पड़े, तब तक उस चीज़ को पाने का मज़ा नहीं है। इसलिए आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, एक बार मिस मत करना, क्योंकि एक पार्ट मिस कर दो तो मे भी आप बहुत कुछ मिस कर जाओ। यार टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, आओ वीडियो को Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? पहली जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो आती है ब्रिक रोज। जैसे हम बार बार रोज करते हैं वैसे ब्रिक रोज करने हैं, लेकिन आपको एक पोजीशन बताऊंगा उस पोजीशन में करना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है बैक आपकी स्ट्रेट रहे, परफेक्ट स्ट्रेट। ऐसे भी नहीं करना है आपको ना कि ऐसे पकड़ना है, दोनों चीजें नहीं करनी है आपको, न्यूट्रल बीच में रखना है बॉडी। लिटरली यार धूप बहुत ही ज्यादा थी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. सेकेंड एक्सरसाइज है वो है सिंगल बारबेल रोज। अब वो आपको कैसे करनी है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगल ब्रिक लेनी है आपको, ऑफ कोर्स आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी, आप कुर्सी का सहारा ले सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा वर्कआउट करना। एंड देन सेम वही प्रेशर को आपको फील करना है और एक सेकंड तक होल्ड करना है। अब ये जो एक्सरसाइज के अंदर आपको थोड़ा सा ऊंचे सरफेस का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे मैंने कुर्सी का दूसरा पार्ट यूज करा है और इसके अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, नॉर्मल सा आपको होल्ड करना है। इसके अंदर बैक थोड़ी सी रोल हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ऐसे। The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. अब फोर्थ एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है? श्रग्स। श्रग्स आपके ट्रैप्स को ट्रेन करती है और आप उनको बेटर बनाती है, अगर आप उनको ढंग से करते हो। आपको ना तो ज्यादा बाहर हाथ रखने हैं ना ज्यादा अंदर रखना है, नॉर्मल शोल्डर की लाइन में रखना है आपको हाथ। और जब आप इसको पुल करोगे तो आपको प्रेशर फील होना चाहिए और थोड़ी सी देर के लिए होल्ड करना है, यानी एक सेकंड तक होल्ड करना है आप। I played it in a sense,
जो एक्सरसाइज आती है वो आती है रोमेनियन डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट और रोमेनियन डेडलिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, जब आप डेडलिफ्ट करते हो तो उसके अंदर आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स ये भी काम करती हैं, इनको भी आपको यूज करना होता है। लेकिन जब आप रोमेनियन डेडलिफ्ट करते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो आपका प्रेशर होगा वो बैक पर आना चाहिए, ना कि आपके थाइज या फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स पर। आपको एज यूजुअल आपको ऐसे ही रखना है ब्रेक्स, बैक स्ट्रेट एंड अप। आपको पूरा नीचे नहीं जाना है, आपको हाफ ही जाना है, हाफ से थोड़ा सा आगे जा सकते हो, 3-4 तक पूरा मोमेंटम नहीं करना है। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना जो अभी प्रॉब्लम में है, जो वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, जिससे कि वो भी वर्कआउट कर पाए। थैंक यू।